दोस्तों वेलकम बैक इन अपजन व्लॉग। तो यार तुम्हें तो पता बहुत सारे क्वेश्चन आए इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, जिन्हें मैं जवाब नहीं दे सकता बिकॉज मेरा सेमेस्टर ऑफ है तो मैं काम हमेशा बिजी रहना। पर आज ही टाइम कट के सू मौका मिलेगा UNBC से ही आए हैं, यूनिवर्सिटी है क्विंस जॉर्ज के अंदर। UNBC की जी मैस है वो अंदर बैठे हैं, बड़ी वधिया मैस है, बहुत वधिया। तो जो आउटसाइडर है उन्होंने $11 देने पैंते हैं, पर जो UNBC स्टूडेंट पढ़ते उन्होंने फ्री है बिल्कुल। तो आप सारे पास भी देख सकते हैं कितना भी खाना है, बच्चे आप ही बनाते हैं, सारे पास स्टॉल लगे हैं, बच्चे आप ही सब कुछ करते हैं। जूस थोड़ा जूस पीना, जूस पियो, फ्रूट खड़ा, फ्रूट खाओ, कुछ बनाना हो इतने बना सकते। तो UNBC तुम दिखाव कि जिन्हें जिन्हें क्वेश्चन आए हैं मैं उन्हें जवाब तो नहीं दे सकता क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। पर मैं एक पेज बनाऊँगा फेसबुक से राहुल जौहर नाम का, ताकि उससे तुम अपने क्वेश्चन पास हुए तो एक ही पोस्ट के अंदर सारे क्वेश्चन कवर हो जाए, कल कल मुझे रिप्लाई ना करना पे। हूँ अभी पता नहीं की इन्होंने बनाया आ वाइल्ड राइस है, इतने वाइल्ड राइस मैंने नहीं पता, वाइल्ड राइस नहीं पहली बार ट्राई किए हैं। तो आ इतने बीनस आ कुछ जिदा अपने राजमा होंगे वह, तो इधरले पास हाँ आलू आ, आलू की कढ़ी बनाई है। हाँ यार इतने की किचन छोटी जी, सारे अपना खाना आप तैयार कर सकते हैं। और जो गोरे खाना खाते हैं उसमें बिल्कुल नमक ना मिर्च कुछ भी है नहीं है, तो मैं इतने नमक लगता पे क्योंकि नमक लभ जाए तो मिर्च लभ जाए आ लबा सीजनिंग सॉल्ट को पा थोड़ा ही पाई। तो मिर्च लभी है माड़ी, मिर्च भी पा लो माड़ी गोरे तो कच्चा पक्का ही रोटी खाते हैं, तो नमक नुक है नहीं दिए नमक नुक पाया, मिर्च मुर्च पाई पर स्वाद आया, नहीं देखे काम खराब ही है। बाकी तुम यूनिवर्सिटी दिखा दे कि बाहर जाके हाँ जी हम एक थोड़ी थोड़ी जूस की चुस्की ला लीए। तो मैं तुम इतने पास दिखाना कि सारा कुछ खाना पे चिकन चुकन बीन चून चिड़े खाते हैं, सारा कुछ पिया गया जाए जिसको पसंद आ चक ला इतों। तो उधरले पास सेम डिटो उधरले पास भी पिया उधले पास बच्चे बह खाते हैं, तो आ पे सारा बीह बू ये चिकन की आइटम इतने फ्रूट पे है, इधरले पास पिज्जा आ फ्रूट आ पे शायद चिकन खत्म हो गया। यूनिवर्सिटी मैंने तो यार बड़ी सोहनी लगी है, चाहे कॉस्टली है थोड़ी जी पर बच्चे पढ़ आते हैं बखरी बखरी कंट्रियाँ तो। जो अपने कॉलेज की गल करिए ज़्यादा इंडियन बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो उसे जाके इतना लगता जिदा पूरा पंजाब इतने ही आ गया, बट इतने जाके पता लगता कि वाकई कैनेडा आए हैं। लो जी कॉफ़ी लेके ऊपर आ गए हैं, तो उपर जो इनवायरमेंट पूरा पीसफुल है, पंजाबी से कोई बोलता नहीं, ज़्यादा गोरी है, चाइनीज़ जैपनीज़ कोरियन इतने के स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ते। इतने यूनिवर्सिटी का माहौल भी बहुत सोहना, आसे पास मैं तुम दिखाऊंगा कि बाहर बहुत सोहना मौसम होया, फॉल स्टार्ट हो गया, जो ट्रीज है उन्होंने भी अपना कलर चेंज करना शुरू करा था, कोई लाल कोई पीला, तो वो भी बड़ा वधिया एटमोसफेयर लगता पाया। तो हर एक अपने काम का मतलब है सब तो वड्डी चीज। अंदरों तो यूनिवर्सिटी जिनी जिनी सूँ पता है उन्होंने यह दिखा दिता, बिकॉज सूँ पता नहीं कि जगह जाना कि जगह नहीं जाना। सो
ਸੋ ਹੁਣ ਬਾਹਰਲਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ। ਆਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਾਈ ਹਿੱਲ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ। ਸੋ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੈਮਰਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਿ UNBC ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਪੇ ਨੂੰ ਹਾਏ ਜੋਬ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਜੋਬ ਮਿਲਣ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਜੋਬ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਸਵਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹਜੇ ਇਹਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਜੋਬ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਰੈਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਿਜ਼ਿਊਮੇ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਕੋਈ ਗੋਟ ਏ ਜੋਬ। ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਆਪ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਢਿੱਲ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ UNBC ਪੜ੍ਹਦੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ UNBC ਪੜ੍ਹਦੇ, ਬਟ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੋਸਟਲੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6,000 ਆ, 6,500 ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਮੇ ਬੀ 11,000 ਜਾਂ $12,000 ਜਾਂ $16,000 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੱਕਰ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫੀਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਕੋਲਜਿਸ, ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ ਘੁੰਮ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਬੱਸ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਬੱਸ ਫੜਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿ ਕੁਸ਼ਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਂ ਪੇਜ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ ਰਾਕੂ ਜੋਨ ਵਲੋਗ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਹੋਊਗਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਸੋ ਚਲੋ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਵਲੋਗ 'ਚ ਵੀ, ਅਤੇ ਗੋਪੇ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੋਬ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਵਲੋਗ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।